सो हेलो दोस्तों, मैं स्वर्णदेव वापस आ चुका हूँ आप सबके साथ एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हम बंगाली लोगों का वह जो दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन कैसे होता है, उसका हर एक रिचुअल मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज है दुर्गा पूजा का महापंचमी। अभी हम माँ दुर्गा को लाने जा रहे हैं। अभी मेरे साथ मेरे कॉलोनी के सभी दादा लोग, भाई लोग और ढाकी भी है। अभी हम पहुंच चुके हैं मूर्ति लेने के लिए। हाय कर ले, हाय बोल ले। हाय हाय। अभी माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, मूर्ति को हम गाड़ी में लोड कर रहे हैं। माँ दुर्गा का मूर्ति मंडप के लिए रवाना हो चुका है। अभी हम माँ सरस्वती और कार्तिकेय की मूर्ति को चढ़ा रहे हैं। इसके बाद अभी माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति को भी चढ़ा रहे हैं। मूर्ति सब हमारा गाड़ी में चढ़ चुका है, सो अभी हम निकल पड़े हैं पंडाल की ओर। सो आज पंचमी के शाम तक माँ दुर्गा एवं उनके परिवार सहित पूरी मूर्ति हमारे पंडाल में पहुंच चुकी है। सो आज है महाषष्ठी, आप सभी को महाषष्ठी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अपनादेर सकल के महाषष्ठीर शारदीय शुभेच्छा ओ अभिनंदन। हमारा पंडाल है अन्नपूर्णा कॉलोनी दुर्गा उत्सव समिति। क्या क्या मतलब रिचुअल्स रहता है और कैसे कैसे होता है, चलिए पंडाल। महाषष्ठी के दिन सबसे पहले माँ को बेल तोला मतलब बेल पत्ते के पेड़ के नीचे या फिर बेल के पेड़ के नीचे माँ का पूजा किया जाता है एवं वहीं पे उनका स्वागत भी होता है। इसे षष्ठी पूजा के नाम से भी जानते हैं। हर जगह बेल का पेड़ तो हो नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे जहाँ बेल का पेड़ नहीं है वहाँ हम बेल पत्ते के पेड़ का झाड़ और दो बेल मतलब जोड़ा बेल उसमें लटका देते हैं। फिर पूजा करने के बाद पुष्पांजलि भी होती है। फिर उसके बाद माँ को प्रसाद भी चढ़ाया जाता है एवं पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। इसके बाद सुबह का कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। फिर शाम को माँ का बोधन होता है। इसका मतलब माँ का फेस उस टाइम खोला जाता है। वैसे इससे पहले जब मूर्ति लाते हैं उस टाइम से माँ का फेस ढक के रखते हैं और बाकी सभी भगवानों का, और बोधन के टाइम में माँ का फेस ओपन होता है और बोधन के बाद अधिवास होता है, जो हम लोगों के बंगाली में शादी से पहले बौर या बहू का अधिवास होता है वही देवी दुर्गा का भी अधिवास होता है। इसके बाद शाम की आरती होती है और फिर कल्चरल प्रोग्राम चालू हो जाता है। वैसे कल्चरल प्रोग्राम के गाना अगर मैं आपको डायरेक्ट सुनाऊंगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। फिर उसके बाद गरबा डांस भी हुआ है हमारे यहाँ। इसी के साथ षष्ठी का दिन हमारा यहीं खत्म होता है। तो आज है महासप्तमी, आप सभी को महासप्तमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अपनादेर सकलके महासप्तमीर शारदीय शुभेच्छा ओ अभिनंदन। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा महासप्तमी के दिन हमारे यहाँ पे मतलब बंगाली दुर्गा पूजा स्टाइल में क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, चलिए पंडाल की ओर। आज है महासप्तमी। आज सबसे पहले एकदम भोर मतलब जस्ट सूरज निकला है जस्ट उसके बाद नवपोत्री का स्नान के लिए हम निकल पड़ते हैं। ये एक्चुअली केला के पेड़ में 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेड़ को बांधा जाता है। फिर इस पेड़ को नदी किनारे ले जाके इसे सहस्त्र धारा से स्नान कराया जाता है
आप देख सकते हैं जो पॉट में छोटे छोटे छेद हैं उनमें से जो पानी निकल रहा है उसे सहस्त्र धारा कहा जाता है। वैसे माँ दुर्गा का यही मेन रूप है, ये आप देख सकते हैं। मतलब स्नान के बाद माँ दुर्गा को नया साड़ी पहनाया जाता है, फिर उसमें हल्दी और तेल लगा के माँ का स्नान किया जाता है। उसके बाद बोरोन डाला से माँ का बोरोन किया जाता है। वैसे यहाँ आप देख सकते हैं कॉलोनी के सभी काकी माँ, बोदी, काकुलोंग और मेरे पापा और मम्मी भी यहाँ आए हैं। सभी हम लोग सुबह आए हैं कोला बहू के स्नान के लिए। तो कोला बहू के स्नान होने के बाद हम वापस अपने पंडाल की ओर निकल पड़ते हैं और इसको बेल का पत्ता, मतलब बेल का जो पेड़ है जिसके नीचे हम लोग षष्ठी पूजा किए थे, वहीं पे इस कोला बहू को स्थापित किया जाता है। वैसे आप फिलहाल देख सकते हैं मैं माँ दुर्गा एवं अलग अलग प्रतिमाओं को माला पहना रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये दुर्गा पूजा कब और किसने शुरू किया था। दुर्गा पूजा वैसे साल में दो बार होता है, एक समर सीजन में जिसे चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, और अभी जो विंटर में हो रहा है इसे अकाल बोधन के नाम से जाना जाता है। वैसे विंटर तो नहीं है लेकिन अक्टूबर के टाइम में होता है इसलिए इसको अकाल बोधन के नाम से जाना जाता है। यह पूजा का मेन कारण जब रावण को मारने के लिए प्रभु श्री राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी, मतलब श्री प्रभु श्री राम ने दुर्गा पूजा का स्टार्ट किया था। और जो बंगाली रिचुअल्स है अगर उसके हिसाब से बात किया जाए तो नवकृष्ण देव ने 1757 में शोभा बाजार के राजबाड़ी में पूजा स्टार्ट किया था। चलिए रिचुअल्स में अब वापस आते हैं। आज सुबह हमने सबसे पहले कोला बहू स्नान कराया, जिसे आप कोला बहू या नवपोत्रिका दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। और स्नान कराने के बाद फिर कोला बहू को हम लोग बेल पेड़ के नीचे स्थापित किए हैं। फिर वहाँ पे कोला बहू का पूजा वूजा होता है, फिर उनको श्री गणेश के बाजू में लाके स्थापित किया जाता है। फिर इसके बाद तीन घाट यहाँ पे माँ दुर्गा के सामने प्लेस किया जाता है। फर्स्ट घाट है कोला बहू, श्री गणेश और माँ लक्ष्मी के लिए, सेकेंड घाट है माँ दुर्गा के लिए, और थर्ड घाट है कार्तिकेय और माँ सरस्वती के लिए। वैसे जो सेकेंड घाट रखा जाता है उसके जस्ट साइड में कुंडो हाड़ी नाम का एक हाड़ी रखा जाता है, मतलब वो भी एक घाट टाइप का ही एक चीज़ होता है। इसमें तीन लकड़ी के टुकड़े रहते हैं और एक आईना रखा जाता है, और आईना को ऐसे सेट किया जाता है सो दैट माँ दुर्गा का फेस के साथ पूरे बॉडी का परछाई उसमें पड़े, और इस आईने के द्वारा ही माँ दुर्गा को प्रतिदिन स्नान कराया जाता है। माँ दुर्गा के स्नान के लिए 10 प्रकार का पानी, 10 प्रकार के तेल और 10 प्रकार के मिट्टी से माँ दुर्गा का स्नान किया जाता है। उसके बाद माँ की आरती होती है। आरती के बाद सप्तमी के दिन ही माँ दुर्गा का प्राणदान एवं चक्षुदान होता है। उसके बाद पुष्पांजलि होती है एवं माँ को भोग चढ़ाया जाता है। फिर इसी के साथ हमारा सप्तमी का सुबह का पूजा खत्म होता है। तो आज है महादुर्गाष्टमी, आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। अपनादेर सकल के महाअष्टमीर शारदीय शुभेच्छाओं अभिनंदन। महाअष्टमी एक बहुत बड़ा दिन है हम लोग के इस दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन में। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा आज महाअष्टमी के दिन क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या क्या पूजा होता है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। आज है महाअष्टमी, आज भी सप्तमी की तरह माँ दुर्गा का पहले स्नान कराया जाता है और फिर पुष्पांजलि होता है। फिर
फिर आज मतलब अष्टमी का जो मेन है डाला पूजो। डाला पूजो मतलब जो भक्त रहते हैं उनके द्वारा माँ को चढ़ाया गया फल फूल साड़ी मिठाई इत्यादि का पूजा होता है। फिर इसके बाद शुरू होता है संधि पूजा। संधि पूजा महाअष्टमी और महानवमी के बीच का जो टाइम है, मतलब महाअष्टमी जस्ट खत्म हुआ और महानवमी लगने से पहले का टाइम जो बीच का टाइम है, उस टाइम संधि पूजा होता है। ये कि एक्चुअली लिमिटेड टाइम में ही पूजा कंप्लीट होना चाहिए। संधि पूजा के जस्ट बाद बलिदान होता है। वैसे संधि पूजा में जब माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है तब उन्हें फिर से नया साड़ी, नया चांदमाला, फिर से सब कुछ नया देके पूजा होता है। और संधि पूजा होने के बाद तुरंत मुहूर्त में ही बलिदान होता है। वैसे पहले के टाइम पे मोस्ट बलि मतलब बफेलो का बलि दिया जाता था, फिर आया छागोल बलि मतलब गोट का बलि का प्रथा, और अब हम लोगों के यहाँ पे चालकुमड़ो बलि, गन्ना बलि और केला का बलि दिया जाता है। बलि संपूर्ण होने के तुरंत बाद शंख अष्ट प्रदीप मतलब 108 प्रदीप प्रज्वलित किए जाते हैं। फिर माँ को 108 कमल फूल से पूजा किया जाता है। फिर इसके बाद संधि पूजा की पुष्पांजलि होती है। महाअष्टमी की पुष्पांजलि पहले ही हो चुकी है, अब संधि पूजा की पुष्पांजलि होती है। फिर इसी के साथ महाअष्टमी की पूजा भी खत्म हो जाती है। और महाअष्टमी की पूजा के बाद दोपहर में खिचड़ी भोग का आयोजन रहता है और शाम के टाइम धुनो चिनाचाप देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा महाअष्टमी का दिन भी खत्म हो जाता है। सो आज दुर्गा पूजा का नवमी है। आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनादेर सकल के शुभ नवमीर शारदीय शुभेच्छाओं अभिनंदन। चलिए मैं आपको पंडाल लेके चलता हूँ, हर बार की तरह, हर रोज की तरह वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा नवमी के दिन हम लोगों का क्या क्या रिचुअल्स होता है। चलिए पढ़ते हैं। आज है महानवमी। सप्तमी की तरह आज भी माँ को स्नान कराया जाता है। फिर उसके बाद पुष्पांजलि आरती के बाद हवन की प्रक्रिया चालू होती है। हवन करना मतलब पूजा लगभग खत्म हो जाता है। फिर शाम को धुनोची नाच के बाद माँ की आरती की जाती है। इसी के साथ नवमी भी खत्म हो जाता है। आज फाइनली हम लोगों का पूजा का लास्ट डे आ गया। आज है महादशमी। आप सभी को महादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनादेर सकल के दशमीर शारदीय शुभेच्छाओं अभिनंदन। चलिए आज तो लास्ट डे आ गया, बढ़ते हैं हमारे वीडियो में, देखते हैं आज जो बंगाली लोगों का फाइनल लास्ट डे में क्या क्या रिचुअल्स रहता है। आज है विजयादशमी। आज सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद बाजू में एक थाला में एक पानी में हल्दी घोल के होलू जल बनाया जाता है और उसमें एक दर्पण मतलब आईना रखा जाता है और आईना ऐसे सेट किया जाता है सो दैट उसमें माँ दुर्गा का चरण दिखे आपको। फिर उसके बाद मतलब पूजा होने के बाद वाइट अपराजिता का पूजा किया जाता है, मतलब सफ़ेद जो अपराजिता फूल है, पेड़ है, उसका पूजा किया जाता है। फिर उसके बाद दोधी कौरमा माँ को चढ़ाया जाता है। कोई कोई जगह में पांता भात और कोचू सागर घंटों भी बनाया जाता है। फिर उसके बाद हमने जो षष्ठी को तीन कलश बैठाए थे उन कलश के अराउंड जो धागा बांधा गया था उसको भी काटा जाता है। फिर उसके बाद माँ दुर्गा का वरण होता है जो केवल और केवल मैरिड वुमेन ही कर सकते हैं, न विधवा न कुमारी लोग
कोई नहीं कर सकते, बस केवल मैरिड वुमेन ही माँ दुर्गा का बौरण करते हैं। माँ दुर्गा के बौरण के बाद उनका फिर विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के बाद अब हम लोग वापस पंडाल में आके मिलते हैं। फिर विसर्जन के टाइम जो नदी में हमने विसर्जन किया है वहीं से शांति जल लाया जाता है और शांति जल को सबके ऊपर छिड़ाया जाता है। शांति जल के छिड़काव के बाद सबका मुंह मीठा किया जाता है और हम जो छोटे लोग हैं वो हमारे गुरुजनों के बड़ों के पैर छूकर सबको शुभ विजया विश करते हैं एवं जो हमारे एज ग्रुप के हैं या फिर हमसे छोटे हैं उनको हम गले मिलकर शुभ विजया विश करते हैं। और इसी के साथ हम बंगाली लोगों का दुर्गा पूजा यही समाप्त होता है। वैसे मैं आपको इसमें पूरा डिटेल तो नहीं बता पाया बट मैं आपको एक रफ आइडिया दे दिया हूँ दैट हम लोगों का दुर्गा पूजा कैसा रहता है। सो जस्ट अभी हम लोग माँ दुर्गा का विसर्जन करके आ गए हैं। फाइनली इसी के साथ हमारा दुर्गा पूजा पूरा ख़त्म होता है। आपने पूरा देखा हम लोगों का बंगाली रिचुअल में मतलब दुर्गा पूजा हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली जस्ट मैं भी घर आया हूँ और छत में हूँ, बहुत ज़्यादा अंधेरा है ये आप देख सकते हैं, इसलिए मैं अपने फ़ोन के फ्लैश लाइट से फ़िलहाल शूट कर ले रहा हूँ। तो फाइनली आज पूजा ख़त्म हो चुका है हमारा, जो षष्ठी से चालू हुआ था, षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, ये सब कुछ फाइनल रिचुअल्स ख़त्म हो चुका है। वैसे माँ दुर्गा के विसर्जन के बाद हम बंगाली लोग बोलते हैं दैट जो हम लोग से बड़े हैं उनको हम बोलते हैं शुभ विजयर प्रणाम नियो और जो हमसे छोटे हैं वो लोगों को शुभ विजयर भलोबाशा नियो। तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं विजयादशमी की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ चलिए हमारे आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके देन, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।